गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज वर्कशीट नंबर 8 जो है क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की डिस्कस करने वाले हैं। ये 23 जुलाई की है 2020। इसके अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस करा गया है। आइए चलते हैं, वर्कशीट के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड द स्वराज हिंद स्वराज मूवमेंट एंड सेड दैट British Empire in India has been established with the support of Indians and was functioning as well due to the cooperation of Indians only. तो ये तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता ही है। ये जो ब्रिटिश सरकार जो थी, जो इंडिया पे राज इसीलिए कर पाई, जस्ट बिकॉज इंडियन जो पॉपुलेशन थी, इंडिया के जो राजा थे वो सारे के सारे, सब सब नहीं कह रहा, बट मोस्ट ऑफ देम ब्रिटिश सरकार के साथ ही काम कर रहे थे। तो जिस वजह से क्या था, कोई भी एक कंक्लूजन स्टेप नहीं ले पा रहे थे पूरा इंडिया अपने आप को फ्री करने के लिए। तो गांधी जी ने भी वही चीज बोली है, एम्पायर इन इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस एंड वाज फंक्शनिंग वेल ड्यू टू देयर कोऑपरेशन। आप बोलेंगे सिर्फ राजा महाराजा की बात नहीं है, इंडियन पीपल उनके लिए काम भी करते थे। और साथ में अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा बहुत सारी, वहाँ पे जो पुलिस फोर्स होती थी मोस्टली इंडियंस होते थे, या फिर जो क्लर्क्स होते थे, जितने भी काम करने वाले होते थे वो सारे के सारे इंडियंस होते थे। सिर्फ टॉप पोजीशंस पे ब्रिटिशर्स होते थे, जिसका मतलब ये था कि अगर उन गांधी जी का कहना ये था कि अगर इंडियंस अपना सपोर्ट छीन लें, सॉरी इफ इंडियंस विदड्रॉ देयर सपोर्ट द ब्रिटिश एम्पायर वुड एंड एंड स्वराज वुड बी एस्टैब्लिश। मतलब हम ब्रिटिश सरकार के उस चंगुल से छूट जाएंगे। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा टाइमलाइन दे रखा है, ये भी आप इसको पढ़ लें। 1915 में गुजरात, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1916 में चंपारण सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट करा था, और 1917 में केदार आंदोलन। आगे पढ़ लेते हैं, हाउ कुड द थॉट ऑफ नॉन वायलेंस बिकम अ मूवमेंट एट गांधी जी कॉल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट स्कूल। ये तो बहुत ही फेमस है, और भगत सिंह की मूवीज में भी देखा गया है कि कैसे भगत सिंह ने भी अपना स्कूल कॉलेज छोड़ दिया था सिर्फ गांधी जी ने एक नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब वो स्टार्ट करा था। बहुत सारे हेडमास्टर टीचर्स ने भी अपनी जॉब्स छोड़ दी थी, बहुत सारे लॉयर्स ने काम करना छोड़ दिया था ब्रिटिश सरकार के लिए। तो आंदोलन उस समय बहुत ही जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया था। द इफेक्ट वॉज मोर ड्रामेटिक ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। लोगों ने तो काम करना छोड़ दिया था, इकोनॉमिकली भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, बिकॉज फॉरेन की जो सरकार थी वो इंडियन इकोनॉमी मतलब पैसा कमाने के लिए भी यहाँ पर आ रखी थी। वो कैसे कर पैसे कमाते थे, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट्स यहाँ से पहले रॉ मटेरियल्स लेके जाते थे, फिर वापस यहाँ पर अपना फिनिश प्रोडक्ट मतलब फाइनल प्रोडक्ट यहीं पर आगे बेचते थे। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से इंडियंस ने उनके कपड़े खरीदने बंद कर दिए, चीजें खरीदने बंद कर दी, जिस वजह से उनको इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, क्योंकि बायकॉटेड का मतलब होता है उनको खरीदने से मना कर दिया गया। अल्कोहल शॉप्स वर पिक्ड, पिक्ड का मतलब लूट हुई उस समय। बॉनफायर मतलब आग लगाना, जो हम लोहड़ी पे आग लगाते हैं। बॉनफायर ऑफ इम्पोर्टेड क्लोथ्स वर हेल्ड, ये बहुत सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा कि सड़कों पे बहुत सारे कपड़े जो विदेशी कपड़े थे वो सारे के सारे जलाए गए। Many businessmen refused to invest in foreign. Many businessmen refused to invest in foreign business. तो उन्होंने लोगों ने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इंडियन बिजनेसमैन थे उन्होंने बाहर के जो भी बिजनेस थे उसमें इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। When boycott movement spread, many people stopped wearing imported clothes. ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लोगों ने बाहर के कपड़े पहनने बंद कर दिए एंड स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स।
तो इस वजह से इंडियन क्लोथ्स और इंडियन इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छे से हुई उस टाइम पे। इन द मीन टाइम 1917 में खदान आंदोलन हुआ था, 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, और 1919 में रिवोल्ट ऑफ सत्याग्रह हुआ। और इनके बारे में अलग अलग स्टोरीज हैं, तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट, बट मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज डिफरेंट फॉर देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऐसा नहीं है कि सबका मतलब एक ही था। हर किसी की नजरिए से देखा जाए तो सत्याग्रह एक अलग तरीके के मीनिंग रखता था। जैसे फार्मर्स के लिए सत्याग्रह का मतलब था रिडक्शन इन टैक्सेस। वो इसलिए सत्याग्रह कर रहे थे ताकि टैक्सेस उनके ऊपर कम हो जाए, या जो उनको जबरदस्ती फोर्स्ड लेबर कराया जाता है वो कम हो जाए। बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव जमींदार। ऑप्रेसिव जमींदार हो गए जो उनको सिर्फ पकड़ के रख लेते थे जमींदारी सिस्टम के अंदर, उनको बाहर निकलने का मौका ही नहीं देते थे। तो हर तबके के लिए एक अलग मतलब था स्वराज का। एक आम इंसान के लिए हो सकता है उसका मतलब हो कि पूरा पूरा ब्रिटिश सरकार ही बाहर चला जाए और हम फ्री हो जाए, बट सबके लिए ये मतलब नहीं था। आइए चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहाँ पे क्वेश्चंस पोस्ट करे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज ब्रिटिश एम्पायर फंक्शनिंग विद सपोर्ट ऑफ इंडियंस। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है कि ब्रिटिश सरकार जो है वो इंडियंस के सपोर्ट पे ही काम चल रही थी। ये यहाँ पे पहला आंसर है, ब्रिटिश एम्पायर फंक्शन विद द सपोर्ट ऑफ इंडियंस एज वी यूज टू कंज्यूम मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम ओनली। तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि हम बाहर के फॉरेन गुड्स को ज्यादा अहमियत देते थे और बाहर का प्रोडक्ट खरीदते थे, जिस वजह से क्या होता था उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छे से काम करती थी। तो वो ब्रिटिश एम्पायर जो था वो इंडियंस के ही सपोर्ट पर काम कर रहा था। एंड एट द सेम टाइम वी यूज टू वर्क फॉर देम इवन इफ द वर्क वॉज अगेंस्ट अवर ओन कंट्री। तो जैसे कि आप देखेंगे वहाँ पे जो फोर्स थी वो मोस्टली इंडियंस के साथ भरी हुई थी छोटे लेवल पे, तो चाहे उसके अंदर जब फाइट होगी तो इंडियंस ही मारे जाएंगे, बट इंडियंस का सपोर्ट तब भी था। तो इस तरीके के जो काम होते थे इस वजह से ब्रिटिश एम्पायर फ्लरिश कर रहा था इंडिया में। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, हाउ डिड इंडियंस शो देयर नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स। इंडियन शोड देयर नॉन कोऑपरेशन टू द ब्रिटिशर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द जॉब्स। तो बहुत सारे टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी उनके स्कूल्स में, जिससे उनकी इनकम बंद हो गई थी ब्रिटिशर्स की। लॉयर स्टॉप फाइटिंग केसेस इन द कोर्ट रूम। पीपल बॉर्न फायर इम्पोर्टेड क्लोथ्स, मतलब आग लगा दी गई थी कपड़ों को जो बाहर से कपड़े आ रहे थे जो लोगों के खुद के थे। बिजनेसमैन रिफ्यूज टू इन्वेस्ट इन फॉरेन बिजनेसेस, और ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे तरीके से इंडियंस ने अपना नॉन कोऑपरेशन दिखाया। सेकेंड क्वेश्चन है, देर वॉज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन क्लोथ मिल्स एंड हैंडलूम्स ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वाई डू यू थिंक दैट्स हैपेंड। सो बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था कि बहुत सारे कपड़े जलाए गए, फॉरन फॉरन के कपड़ों को यूज करने से मना कर दिया गया, लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। ऑब्वियसली कपड़े तो पहनने थे, तो इंडियंस कपड़े उन्होंने पहनना स्टार्ट करे, और इंडियंस कपड़े पहनने थे तो फिर इंडियन कपड़ों की डिमांड बढ़ गई, जिस वजह से इंडिया की हैंडलूम इंडस्ट्री ग्रो करने लग गई, और साथ ही साथ क्लॉथ मिल भी ग्रो करने लगी। थर्ड क्वेश्चन आता है, सपोज यू आर स्टडिंग इन द स्कूल इन 1921 एंड यू लीव योर स्कूल टू ज्वाइन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द कॉल ऑफ गांधी जी, गिव रीजन, वुड यू लीव योर स्कूल। तो ये मैंने आंसर नहीं लिखा, ये आपका आंसर होना चाहिए कि अगर आप वहां पर होते 1921 में
अगर आपको पता चलता, जैसे भगत सिंह को पता चला था उस टाइम पे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो रहा है, अगर आपने मूवी देखी हो, नहीं देखी तो जरूर देखें। तो उसने क्या कर रहा था कि अपना स्कूल और सारी किताबें जला दी थी और वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ज्वाइन हो गया था, बच्चा था तब भी। तो अगर आप वहां पर होते तो आप इस समय क्या करते? तो आप अपने राय में, अपने वर्ड्स में कुछ भी लिखें, इवन कमेंट बॉक्स में भी आप अपना आंसर डाल के पूछ सकते हैं कि क्या वो आंसर ठीक है या नहीं है ग्रामेटिकली। तो कोशिश करेंगे उसका रिस्पॉन्ड देने का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर अटेनिंग स्वराज। इफ यू वर टू बिगिन अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टूडेज टाइम, ऑन वॉट इशू वुड यू डू एंड विच मेथड विल यू मेक यूज ऑफ? सो इसके अंदर बोला है कि आज की डेट में अगर आपको कोई स्वराज पाना हो तो आप कौन सा मेथड उसके अंदर आप यूज करना चाहोगे और किस चीज पे आप स्वराज पाना चाहोगे? ये मेरी राय है, आपकी राय मेरे से डिफरेंट हो सकती है, बट आप अपनी राय जरूर लिखें। इन प्रेजेंट टाइम वी नीड अ न्यू काइंड ऑफ स्वराज, वेयर वी नीड टू बायकॉट नॉट जस्ट क्लोथ, वी नीड टू बायकॉट टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड नॉट जस्ट फ्रॉम चाइना, फ्रॉम एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। बिकॉज आजकल हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, चाइना की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स भी बायकॉट करते हैं कई बार। ये हम हेट्रेड की तरफ से करते हैं बिकॉज ये हमारे एकदम पास में है और ये हमारे बॉर्डर्स पे अटैक करते हैं। बट ऐसा नहीं है, हमेशा बॉर्डर्स पे अटैक नहीं होता, इकोनॉमिकली भी अटैक होता है। तो इकोनॉमिकली अटैक बहुत ही साइलेंट होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि हम पे अटैक हो रहा है। एज अ पब्लिक, गवर्नमेंट को पता चलता है। तो एज अ पब्लिक हम क्या कर सकते हैं, हम बॉयकॉट कर सकते हैं नॉट जस्ट चाइनीज प्रोडक्ट, कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट हो हम बॉयकॉट कर सकते हैं। स्वदेशी खाएं, जो बाबा रामदेव जी का स्लोगन है, मैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करता, बट ऑब्वियसली वो एक कंपनी है। उसी तरीके से और जितनी भी इंडियंस कंपनी है हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। दिस आई थिंक वी हैव टू स्टॉप यूजिंग सॉफ्टवेयर्स। आज की डेट में हम सॉफ्टवेयर पे बहुत काम करते हैं, सॉफ्टवेयर विच आर नॉट मेड इन इंडिया। या इसके अंदर हमें भी एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि हम ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए, ऐसे अच्छी टेक्नोलॉजी बनाए ताकि इंडियंस लोग इंडियन प्रोडक्ट ही यूज करें। वी शुड स्टॉप हैविंग पैकेज फूड्स। ये और एक थॉट था, आज की डेट में हम बहुत ही ज्यादा पैकेज फूड्स खाते हैं, जैसे लेस हो गया या कुरकुरे हो गया। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो सारे के सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं। आज की डेट में कपड़े भी हैं, मैं बस कह रहा हूँ कि कपड़ों के अलावा बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर हमें एक बायकॉट की जरूरत है। तो और भी आप अपने पॉइंट्स अपने जोड़ें और कोई सजेशन हो तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।